गाय के नाम पर राजनीतिक गुंडागर्दी की हजारों तस्वीरें देखने के बाद अब गायों की असली दुर्दशा देखिए। सड़कों पर गाय के नाम पर इंसानों की खाल तक उतार लेने वाले हैवान देख लें, उन हैवानों के हाकिम देख लें, उन हाकिमों के हुक्म देख लें और हुक्म की हुकूमत भी देख लें। एक दो नहीं, पूरी 70 गायें राजस्थान के सबसे उम्दा गौरक्षकों के हाथों मारी गई। मामूली मौत नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारी गई। उन्हें चारा नहीं दिया गया, पानी की दो बूंद तक नहीं दी गई। सड़कों की जिन गायों को गौरक्षा के नाम पर बाड़े में बांध दिया गया था, वो गायें बिना चारे पानी के मर गई। गाय को बचाते हैं ना, न्याय को बचाते हैं ना कानून को बचाते हैं। हालात बहुत खराब है। आज हमने यहाँ का दौरा किया, यहाँ रोज 500 गाय मर रही है। आज जब हम यहाँ पहुंचने वाले थे, सुबह से इन्होंने डंपर लगा दिए, ट्रैक्टर ले लेके मरी हुई गायों को उठाकर ले गए। इसके बावजूद हमारे सामने 250 से ज्यादा गाय मरी हुई हमने देखी। गोरक्षा के नाम पर दुनिया को नर्क बना देने पर आमादा गोभक्त देखे। राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रवादियों की सरकार है, भारत में बीजेपी के राष्ट्रवादियों की सरकार है, सब मिलकर देखे अपनी गोभक्ति की बजबजाती हुई दुनिया। गाल बजाने वाले गायों के हत्यारे निकले हैं। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला की तस्वीरें हैं ये। राजस्थान सरकार ने गोसेवा के नाम पर इलाके का सबसे बड़ा गोसेवा केंद्र बनाया है, सड़कों से उठा उठा कर गायों को आसरा देने के नाम पर। लेकिन गोसेवा के इस नाटक की पोल खुल गई है। गोसेवा का दावा करने वाले दरअसल दमड़ी के भूखे निकले। गायों का चारा खा गए, गायों का पानी पी गए, गायों की खल्ली खा गए और भूख के मारे, प्यास के मारे तड़प तड़प कर मर गई 70 गायें। कोई देखने वाला नहीं था। बारिश के कारण से जो अव्यवस्था फैली वहाँ, उसको हम दुरुस्त कर सके और वहाँ जो गाय जिस प्रकार का मैसेज आ रहा है, वो मैसेज अच्छा मैसेज आए बाहर की तरफ, हम व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। एक स्वयंसेवी संगठन की टीम हिंगोनिया गौशाला का जायजा लेने पहुंची तो हैरान रह गई। गायें बिना चारे पानी के दम तोड़ रही थी। गौशाला से इतनी भयानक बदबू उठ रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये वही हिंगोनिया गौशाला है जहां पिछले दिनों चारा घोटाले की खबर आई थी। जांच में पता चला कि इस गौशाला में चारा के नाम पर पिछले 5 साल में 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। गौशाला में 4,000 गायें थी जबकि गायों की संख्या 7,000 बताई गई। फर्जी बिलों से सारे चारे का भुगतान किया गया। गायों के चारे के नाम पर इस तरह करोड़ों रुपए हजम कर लिए गए। एसीबी की जांच में 60 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बाद भी बेशर्म गोभक्तों का कलेजा नहीं पसीजा। गायों की दुर्दशा क्यों हो रही है? आप हिंदुत्व और गाय के नाम पर लोगों की भावना भड़काकर वोट लेते हो, लेकिन अधमरी और लाचार बेजुबान गाय अपना दम तोड़ रही हैं, तो सब मंत्री मुख्यमंत्री अपने मुंह पर ताला लगाए क्यों बैठे हैं? गायें प्यास से तड़पती रहीं, गोभक्त देखते रहे। गायें भूख से बिलखती रहीं, गोभक्त देखते रहे। गायें बेहाल होकर मरती रहीं, गोभक्त देखते रहे। गोभक्ति के इस हत्यारे राष्ट्रवाद में राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने ऐसा झंडा गाड़ा है कि इंसानियत के मामूली तकाजे भी करा उठे हैं। सच ये है कि सड़कों पर असलहे लेकर गायों की रक्षा में निकली गुंडों की टोली गौशालों में झांकने तक नहीं जाती। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24।